हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा वीडियो नंबर 8 ऑन सेकेंड चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इससे पहले हम लोगों ने जो 7 वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का जब किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या फिर क्या हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व्स का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोग देखे हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर के पास जितने भी रिजर्व्स, जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हैं उनको वो लोग आपस में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मगर इसका दो मेथड होता है। एक्चुअली पार्टनर लोग अगर चाहे तो उन वो सारे के सारे रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहला जो हम लोग सीख चुके हैं। इस केस में हम लोग देखें कि जो भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सारा का सारा पैसा कैपिटल में ऐड हो जाता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पहला केस में पार्टनर जो है रिजर्व का पूरा पैसा, लॉस का पूरा पैसा वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। एंड सेकेंड केस ये बनता है कि पार्टनर अगर चाहे तो वो नहीं भी ट्रांसफर करे तो चलेगा। तो हम लोग को दोनों केसेस जो है वो देखना है। तो चलिए इस आज के हम वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अगर पार्टनर लोग वो सारे के सारे रिजर्व के पैसे को वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आपको पता है जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस जो है या फिर रिजर्व, जितने भी रिजर्व है इसका दो ट्रीटमेंट होता है ना। इसका दो ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट क्या रहा है, When partner want to transfer the amount to their capital account, and second case आपका बनता है when partner do not want to transfer the amount to profit to their capital account। फर्स्ट केस में वो लोग चाहते हैं एंड सेकेंड केस में नहीं चाहते हैं। तो एकदम सिंपल है बाबू, क्या करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हम लोगों के इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी करना है, अगर पार्टनर लोग चाहते हैं इसको ट्रांसफर करना, तो हम लोग सिंपली से क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर अगर वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तो सेम ट्रीटमेंट जैसा हम लोग ट्रीटमेंट गुडविल में करते थे उसी तरीके का ट्रीटमेंट यहां भी करना पड़ेगा। सेम ट्रीटमेंट एज गुडविल। और आपको याद होगा गुडविल में हम लोग क्या करते थे, तो सर गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले गेनिंग पार्टनर निकालते थे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालते थे, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसा देगा रिस्पेक्टिव टू द गुडविल अमाउंट, एंड जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा, है ना। तो ट्रीटमेंट करेंगे सेम एज गुडविल। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको और भी डीपली समझ में आए। लेट कि ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी चार पार्टनर है एंड इन चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो। एंड ये लोग अब चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग इसको 4:3:2:1 में शेयर करें, दैट इज न्यू रेशियो, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है अगर ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो जितने भी रिजर्व और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन लोग के पास रिजर्व है, रिजर्व कितने का है? तो रिजर्व है बाबू 1,80,000 रुपए का। एंड गुडविल, फर्म का गुडविल का वैल्यू है 60,000 रुपीज। मगर आपको नीचे क्वेश्चन में दे दिया है दे डू नॉट वॉन्ट टू ट्रांसफर द रिजर्व अमाउंट टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये इन लोग चाहते हैं कि वो लोग उस अमाउंट को ट्रांसफर ना करें, तो फिर हमने क्या करना पड़ेगा? तो बाबू हम क्या बताएं आपको, सेम ट्रीटमेंट जैसा कि हम लोग गुडविल के लिए करते हैं। तो आपको याद होगा गुडविल के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग पार्टनर निकालते थे। तो सैक्रिफाइजिंग इज इक्वल टू द ओल्ड माइनस न्यू। तो ए बी और सी और डी का ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो ए का ओल्ड है 2/2, 2 2 4, 2 6, इसका है 2/6, इसका भी है 1/6, एंड इस बंदे का भी है 1/6। माइनस 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 न्यू रेशियो कितना है ए का? तो ए का है 4 4 3 7 8 9 10, 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। तो ये हमारा क्या आया, ओल्ड माइनस न्यू। अगर इसको करते हैं तो फाइनली आप देखोगे तो 2/30 इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2/30, और 2/30 जो है ये माइनस में आएगा, ये मैंने पहले से कर चुका, आप लोग करोगे तो यही आएगा। और चूंकि ये माइनस में आ रहा है यानी कि ये गेन कर रहा है। फिर इसका आएगा 1/30, इसका भी आएगा 1/30, एंड ये जो है ये चूंकि प्लस में आंसर है इसलिए ये सेक्रीफाइस करेगा, ये भी माइनस में आंसर आ रहा है यानी कि ये गेन कर रहा है, एंड ये 2/30 से सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। अब आपको पता है कि हमको गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसे कि रिजर्व का करना है। तो बताओ गुडविल का वैल्यू कितना है, 60,000, एंड रिजर्व का वैल्यू है 1,80,000 रुपीज, है ना? तो हम लोगों ने करना क्या है, 2,40,000 को डायरेक्ट जैसे गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही एक बार में कर देंगे। देखो प्रॉब्लम अलग अलग कब करते थे, जैसे अभी तक हम लोग जो केस समझे जिसमें कि गुडविल गुडविल का पैसा का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के हिसाब से करते थे, एंड रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। मगर इस केस में क्या बोल रहा है कि नहीं बाबू ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ये जो रिजर्व का पैसा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। तो चूंकि नहीं करना है, दे डोंट वांट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको क्वेश्चन में दे देगा, ये बात आपको क्वेश्चन में बता देगा। तो अब हमारा काम क्या बनता है, तो बाबू अब हम लोग करेंगे, हमको पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सिंपली ए जो है वो गेन कर रहा था, राइट? तो ए का जो गेनिंग का अमाउंट है वो है 2/30, एंड टोटल अमाउंट आया 2,40,000 रुपया जोड़ कर। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16,000, ठीक है? बी की बात करें तो बी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है? सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30 से, एंड 2,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 8,000 रुपीज। सी की बात करें तो सी जो है सी सी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, है ना? ऊपर अभी हम लोग कैलकुलेट किए 1/30 से वो गेन कर रहा है, इंटू 2,40,000 अगर करते हैं तो आएगा 8,000 रुपीज। एंड लास्ट वन इज डी, और डी जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना से, 2/30 से, इंटू 2,40,000। तो ये आपका आ जाएगा 16,000। और चूंकि जो बंदा गेन कर रहा है हमको पता है उस बंदे को हम लोग क्या करते हैं, जो बंदा गेन करता है उसको करते हैं डेबिट, और जो बंदा सैक्रिफाइस करता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो ये हो जाएगा डेबिट एंड ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है? तो ये हमारा प्रोसेस है। अब बेसिकली करना क्या है, सर जर्नल एंट्री पास कर देना। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, हमको पता है कि किसको करना है डेबिट किसको करना है क्रेडिट, ठीक है? तो आप एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं कि इसको किसको डेबिट करना है, ए को डेबिट करना है, तो एस
कैपिटल अकाउंट डियर और सी को डेबिट करना है, सी कैपिटल अकाउंट डियर टू बीस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल, और ए और सी का वैल्यू है, ए का है 16,000 एंड बी का है 8,000, सी का है 8,000 एंड बी का है 8,000 एंड डी का है 16,000। इसी के साथ हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? आपको बहुत ही खूबसूरती से के साथ बताने का प्रयत्न किए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं और एक और टाइप इसका देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल सके, ठीक है? तो चलिए एक और टाइप हम लोग देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, इस बार हम लोग तीन पार्टनर लेते हैं, ए बी सी तीन पार्टनर है और ओल्ड रेशियो है 2:3:4 एंड न्यू रेशियो ये लोग डिसाइड किया 4:3:2 न्यू रेशियो। अब चूंकि ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है तो जितने भी तरीके के रिजर्व है उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन में दिया कि सर जनरल रिजर्व ना, जनरल रिजर्व है इन लोगों के पास 40,000 का मान लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है। तो देखो हम आपको बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, मगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दे तो हम मानेंगे कि वो प्रॉफिट है एंड क्रेडिट बैलेंस उसको एज्यूम करेंगे और ये कितना है 20,000 एंड आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रहा है, कितने का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रहा है 15,000 का, ये आपको कह रहा है। यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मगर क्वेश्चन बोल रहा है कि दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द अमाउंट टू देयर कैपिटल अकाउंट, ये लोग जनरल रिजर्व को का अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट को ट्रांसफर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो बनता है वो क्या बनता है कि सर गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसको समझने से पहले पहले हमको ये जानना पड़ेगा ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है तो प्लस करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है प्लस करेंगे, मगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो एक तरीके का लॉस है और लॉस है तो इसलिए इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये 11 का कॉन्सेप्ट है, होप कि आपको याद होगा, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, लॉस होता है। तो बेसिकली हम लोग 40,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000 अगर करते हैं तो फाइनल जो अमाउंट आपका आएगा वो आएगा 45,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमारा काम है बाबू कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ये फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हम यूज करते थे वही यूज करेंगे, आप चाहे तो गेनिंग का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर तीन बंदे का है ए बी एंड सी, ए का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:4:7:8:9, 2:9 3:9 एंड 4:9 माइनस माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो है 4:9 3:9 एंड 2:9। तो जब आप इसको सॉल्व करेगा तो आप पाएंगे कि ए जो है वो ए का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो है 2:9 2:9, और चूंकि ये माइनस में है इसलिए ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ये माइनस में इसलिए गेन कर रहा है। 3:9 में से 3:9 गया तो ये जीरो, यानी कि ये बंदा जो है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट मतलब कि ना ही ये गेन कर रहा ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड सी की बात करें तो सी जो है वो 2:9 से जो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो चूंकि ये गेन कर रहा है इसलिए इसको करेंगे डेबिट एंड इसको करेंगे क्रेडिट। तो अमाउंट कितना होगा बाबू, तो अमाउंट होगा ए का 2:9 इंटू ये जो अमाउंट है 45,000 रुपया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आएगा 10,000 रुपीज एंड सी का अगर 2:9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 को तो यहाँ भी आएगा 10,000 रुपीज, और एक बंदे को डेबिट एक बंदे को क्रेडिट। सर बी को कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है बाबू, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बी को ना ही गेन हो रहा है ना ही सेक्रीफाइस हो रहा है तो उसको इसमें छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। तो ए को करना है डेबिट, ए को करना है डेबिट एंड इसको करना है क्रेडिट, तो एज कैपिटल टू सीज कैपिटल 10,000 एंड 10,000। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ जो कि बात करता था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेट ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस विद
व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें हम लोग दो केस पढ़े, एक में रिजर्व को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है ताकि कैपिटल बढ़ जाए, और एक में हम लोग पढ़े कि अगर पार्टनर लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो फिर कंपनसेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन करना। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, अब थोड़ा इसको समझते हैं। रिवैल्यूएशन मतलब होता है, आप खुद समझ पा रहे होंगे नाम से ही, रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यू करना। अब जैसे हम और आप पार्टनर हैं और एक और बंदा हम बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, हम दोनों आज से 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किए थे, और जब जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो एक बिल्डिंग खरीदे थे 10 लाख रुपए का, मगर आज उस बिल्डिंग का दाम है 50 लाख रुपए। तो बताओ अगर ये जो 10 साल में 40 लाख रुपीज बढ़ा है ना, आज पहले 10 लाख का था, आज के डेट में 50 लाख का है, तो जो नया वैल्यू है ये क्या है, 50 लाख रुपीज है। तो रीवैल्यू किए हम लोग अपने एसेट्स का, क्या किए, रीवैल्यूएशन किए, तो पता चला 40 लाख रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो ये बताओ इस प्रॉफिट पे किसका हक है? सर ऑब्वियस सी बात है, किसका हक है? पुराने पार्टनर का हक है। पुराने पार्टनर का हक है यानी कि मेरा और तुम्हारा, वो जो नया पार्टनर आ रहा उसका हक उसमें नहीं है। तो बेसिकली कभी भी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है, 5 केसेस में होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अमलगमेशन। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी का करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि पता चलता है कि आज के डेट में हमारे पास जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है उसका वैल्यू क्या है, और वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बढ़ा तो फायदा और घटा तो नुकसान, और ये प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो पी शेप का होता है। हम लोग को यहाँ पे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखना है, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो पी शेप का होता है आपका, एंड इसका जो नेचर है वो होता है नॉमिनल नेचर का। ठीक है, ये कौन से टाइप का अकाउंट है? सर ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग करते हैं डेबिट, एंड सारे के सारे इनकम को करेंगे हम लोग क्रेडिट, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर एंड रुपीस। तो बेसिकली अब आप कोई भी एसेट्स का जब वैल्यूएशन करोगे, या तो प्रॉफिट, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो घटेगा। तो सर वैल्यू बढ़ा तो फायदा, तो क्रेडिट साइड, वैल्यू घटा तो नुकसान है, तो डेबिट साइड। तो फॉर्मेट में बेसिकली क्या लिखाता है आपको एकदम क्रिप्स मैनर में अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अगर राइज, इंक्रीज, इंक्रीज इन द वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो जितना भी, जिसका भी एसेट्स का दाम बढ़ा, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीनरी का, अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बाय मशीन 50,000, बाय फर्नीचर 10,000, इस तरीके से। और अगर वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, कितना, जितना का अमाउंट हुआ। जैसे मान लीजिए आपका डेटर, डेटर का वैल्यू पहले 50,000 था, अब घट के हो गया 30,000, तो वैल्यू घटा है, इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तो वो क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी का भी वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब लाइबिलिटी का वैल्यू घट रहा है यानी कि क्रेडिटर पहले था 30,000, अब देना है 20,000, तो आपके लिए फायदा है, तो बाय क्रेडिटर, या फिर आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, जितना भी घटा, जिसका भी घटा, और अगर क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ता है
तो इन क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे 50,000 का बैंक लोन था, मान लीजिए लाइबिलिटी, तो अगर अगर लाइबिलिटी का वैल्यू घटता है, बैंक था, बैंक लोन था 50,000, बढ़ के हो गया 60,000, तो आपके लिए नुकसान है, अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इंक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितना होगा, जितना भी अमाउंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद रिजर्व एंड प्रोविजन की बात करें तो उसी तरीके से आपका चलता है। तो बेसिकली क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा, है ना। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में, और लॉस होगा, सॉरी, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ आ सकता है। बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है डेबिट में भी, या तो बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है ना। तो अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और जिस पार्टनर के बीच में ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, है ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पर लॉस आएगा, ठीक है। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा जो है वो आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन आज के टॉपिक में बताएं, ताकि आपको ये क्लियरिटी मिले कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। तो रिवैल्यूएशन आपका पूरा क्लियर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड आपको पढ़ाई में मजा आ रहा होगा। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इंडिया में वायरल कर दीजिए, एंड कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें टू योर क्लोज फ्रेंड्स, टू एवरीवन, जिसे भी आप चाहें, ठीक है। थैंक यू।